हमारा उत्तर प्रदेश मीठे पानी की फिशरीज वाले राज्यों में नंबर वन है। साल 2020-21 के डेटा के मुताबिक यूपी में 7.46 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। इनमें यूपी के पूर्वांचल की हिस्सेदारी सबसे अधिक 47%, मध्यांचल की 21%, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 18% और बुंदेलखंड का यूपी में मछली उत्पादन की हिस्सेदारी 14% की रही है। पूर्वांचल के फिशरीज के प्रोडक्शन में सबसे आगे होने का क्रेडिट वाराणसी मंडल को जाता है, क्योंकि वाराणसी मंडल में मौजूद समृद्ध जलाशयों की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है और इसे भारत के अलग अलग राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर पूर्वी राज्यों और नेपाल को भेजा जा रहा है। पूर्वांचल में मछली उत्पादन की इसी संभावना को देखते हुए वाराणसी के चंदौली में एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड फिश मार्केटिंग सेंटर, जिसे IFMT या फिर मॉडर्न मछली केंद्र कहा जा रहा है, उसे डेवलप किए जाने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और माना यह जा रहा है कि ये पूर्वांचल के क्षेत्र में नीली क्रांति को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने में काफी मददगार साबित होगा। नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि इंटीग्रेटेड फिश मार्केटिंग सेंटर क्या है, इसे जिस जगह पर बनाया जा रहा है वो जगह कौन सी है और इन सबसे भी जरूरी हम ये समझेंगे कि ये नीली क्रांति यूपी के किसानों की आय को दोगुना करने में कैसे सहायक हो सकती है। यह है चंदौली। वाराणसी मंडल का ज्यादातर मछली व्यापार चंदौली जिले के मुगलसराय और वाराणसी के आसपास होता है, पर यहाँ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते मछली उत्पादकों को काफी नुकसान हो जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अल्ट्रा मॉडर्न फिश मार्केट। अब इसी चंदौली जिले की मंडी परिषद की 1 हेक्टेयर जमीन में इंटीग्रेटेड फिश मार्केटिंग सेंटर बनाए जाने के लिए चिन्हित हुई है। इस जगह का सिलेक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि ये दिल्ली कोलकाता राजमार्ग पर चंदौली शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन से 16 किलोमीटर दूर और वाराणसी शहर से 32 किलोमीटर दूर होने के साथ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसकी दूरी सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटीग्रेटेड फिश मार्केटिंग सेंटर मछलियों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लोकल बिजनेस और थोक बिक्री के साथ खुदरा बिक्री के लिए बनाया जा रहा है। इसके तहत मछली का जहां से उत्पादन होगा और उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन बनेगी। हर दुकान को डीप फ्रीजर से लैस किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक्वेरियम मछली और मछली बीज के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। यहां हाई प्रोटीन और एक्वा फूड के लिए अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए एक मॉडर्न एक्वा फूड रेस्टोरेंट भी बनाया जाएगा और फ्यूचर में यहां पर मछली प्रसंस्करण की एक इकाई का भी निर्माण होगा। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट के बनकर तैयार होने की डेडलाइन दिसंबर 2023 रखी गई है और ऐसी उम्मीद है कि इससे पूर्वांचल के किसान मछली पालन के जरिए सालाना 25 करोड़ रुपए कमा सकेंगे। अब बात यहां पर नीली क्रांति और उसके जरिए यूपी के किसानों की आय को दोगुना करने की करें तो मत्स्य पालन उद्योग हर साल औसतन 9% की दर से बढ़ रहा है। भारत भी इस क्षेत्र में सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में शुमार है। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जो कि साल 1985 से साल 1990 के बीच चली थी। इस समय सरकार द्वारा नीली क्रांति के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो इनमें नीली क्रांति 2.0 या फिर नीली क्रांति मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मनरेगा के तहत सरकार कृषि तालाबों पर काम कर रही है, जिससे मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल रहा है। देखा जाए तो मछली पालन के रोजगार के विकास की दर, विश्व की जनसंख्या में बढ़ोतरी की रफ्तार और पारंपरिक कृषि क्षेत्र में रोजगार की दर की अपेक्षा तेज रही है। मत्स्य पालन कृषि आय के अतिरिक्त किसानों के लिए आय का एक बढ़िया जरिया है। मछली पालन के लिए कम जमीन की जरूरत इसकी सबसे बड़ी खासियत है। साथ ही ये आय के साथ साथ प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी माना जाता है। तो बारी आज के सवाल की। आज के इस वीडियो को देखने के बाद हम आपसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है और दूसरा सवाल यह है कि चंदौली में बन रहे इस अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड फिश मार्केटिंग सेंटर पर आपकी राय क्या है, इससे पूर्वांचल के किसानों को कितना लाभ होगा, हमें इसके बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।